नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इसी सुंदर से सुविचार के साथ एक मिनट के लिए माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन नंबर 8वां हम लोगों का चल रहा है जिसका नाम है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार का अर्थ हम लोगों ने देखा था। आर्थिक सुधार की नीतियां जुलाई 1991 के अंतर्गत अमल में आई थी। देश की सरकार के द्वारा जुलाई 1991 में जो अलग अलग प्रकार के आर्थिक नीतियों में सुधार किए गए उसको आर्थिक सुधार के नाम से जानते हैं। आर्थिक सुधार के अंतर्गत हमने 3 नीतियाँ देखी थी, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। अब आगे का जो टॉपिक है पेज नंबर 90 पर कि भारत की विदेश व्यापार नीति के चरण, तो उसके अंतर्गत भारत की विदेश व्यापार की नीति के चरणों को मुख्य 2 भागों में बांटा जाता है। एक वैश्वीकरण से पूर्व का विदेश व्यापार और दूसरा वैश्वीकरण के बाद की व्यापार की नीति। तो मैं पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा वैश्वीकरण से पूर्व विदेश व्यापार की नीति। 3-4 मुद्दे आप लोग, मतलब वैश्वीकरण हुआ उससे पहले भारत में क्या क्या नीतियाँ थी। आज़ादी के बाद शुरुआत के वर्षों में प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे को व्यवस्थित करना था। चूँकि देश की विदेशी शासन से मुक्त हुआ था जिससे विदेशी वस्तु, विदेशी व्यापार और विदेशी कंपनियों के समक्ष लोगों की मानसिक विरोध था। मतलब बहुत ही सिंपल मुद्दा बना कि स्वतंत्रता के पहले हम विदेश, मतलब वैश्वीकरण से पहले हम लोग विदेशी शासन के अंदर थे, इसलिए विदेशी वस्तु, और मतलब आपका शॉर्ट में मुद्दा इतना ही बना कि विदेशी वस्तु, विदेशी व्यापार और विदेशी कंपनियों के सामने लोगों का विरोध था। और इस समय काल के दौरान आयातों पर अंकुश था और निर्यात में भी खूब कमी आई थी। 2 मुद्दे हो गए, एक लोगों का रोष था और आयात निर्यात पर सरकार का प्रतिबंध था। कब? वैश्वीकरण से पहले। आगे भारत ने मिश्र अर्थतंत्र को स्वीकार किया और आयोजन द्वारा विकास की व्यूहरचना अपनाई। वैश्वीकरण से पहले भारत ने कौन सी, मतलब मिश्र अर्थतंत्र की नीति अपनाई और आयोजन करके हम विकास करने की नीति मतलब अपनाई थी। बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना तथा आवश्यक उद्योगों के विकास हेतु बड़े पैमाने पर आयात किया गया और विदेशी मुद्रा घट जाने के कारण उपभोग की वस्तु की आयातों पर बड़े पैमाने, मतलब जो आम जनता खरीद सकती है ऐसे उपभोग की वस्तुओं पर सरकार ने नियंत्रण लगा दिया। मतलब पहले 2 मुद्दे, एक लोगों का रोष, दूसरा आयात निर्यात पर नियंत्रण, तीसरा उपभोग की वस्तुओं पर नियंत्रण और आयोजन के द्वारा विकास करने की प्रक्रिया, 4 मुद्दे हुए। आगे तीसरा पैराग्राफ, भारत की विदेश व्यापार नीति में देश के उद्योगों के संरक्षण पर जोर दिया गया। मतलब ये 5वां मुद्दा कि उद्योगों के संरक्षण पर जोर दिया गया, आयातों पर अंकुश लगे और निर्यात बढ़ाकर विकास करने का विचार, मतलब आयात पर रोक लगाई और निर्यातों को बढ़ाने का विचार किया। कब? वैश्वीकरण से पहले। उसमें खासकर कृषि उपज है, हस्तकला है, आभूषण है, परंपरागत वगैरह टेक्नोलॉजी पर आधारित परंपरागत निर्यात में वृद्धि की गई। और आगे का जो मुद्दा आपको बनाना कि विदेश मुद्रा के बाजार में रुपया सरकार के अंकुश में रखा गया, ये भी वैश्वीकरण से पहले। मतलब 5-6 मुद्दे आप लोगों के हो गए, एक लोगों का रोष, दूसरा आयात निर्यात पर नियंत्रण, तीसरा आयोजन द्वारा विकास,
चौथा आयातों और मतलब उद्योगों पर जो उपभोग की वस्तु है उसके ऊपर मतलब नियंत्रण, उसके अलावा मतलब सरकार ने आयोजन के द्वारा विकास का प्रयत्न किया, खासकर उद्योगों का संरक्षण की नीति अपनाई, हस्तकला आभूषण जैसे परंपरागत और टेक्नोलॉजी वाली वस्तु के निर्यात पर जोर लगाया, विदेशी मुद्रा जो है वो सरकार ने अपने अंकुश में रखा, जहां रुपये का अवमूल्यन द्वारा निर्यात बढ़ाने की नीति अपनाई, जबकि रुपये का अवमूल्यन से आयात महंगी हो गई, परंतु अति ये तो आप लोगों को असर क्या हुई वो 5-6 मुद्दे आप लोगों को बनाने के, वैश्वीकरण के पूर्व विदेश व्यापार की नीति भारत की कैसी थी, अर्थात आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि आयात होने वाली वस्तु की स्थापना अपने देश में करना, मतलब जो वस्तु को हम पहले आयात करते थे उसी का निर्माण हमारे देश में करना, अर्थात इस प्रकार वैश्वीकरण से पूर्व देश की नीति जो थी वो इस प्रकार थी। उसके बाद वैश्वीकरण के पश्चात मतलब बाद में विदेश नीति क्या हुई, तो उसमें भी 3-4 मुद्दे आप लोग बना सकते हैं कि 1991 से भारत ने आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया और विदेश व्यापार नीति को संरक्षणात्मक के बदले मुक्त कर दिया। मतलब पहला कदम कि सबसे पहले वैश्वीकरण के पश्चात सरकार ने विदेश व्यापार की नीति के संरक्षण के बदले में मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। दूसरा, आयात निर्यात लाइसेंस सरल कर दिया। तीसरा, सिर्फ क्रूड ऑयल, खाद्य तेल और रसायन जैसी वस्तुओं के आयात पर ही अंकुश रखा गया। मतलब एक, संरक्षण को मुक्त किया, लाइसेंस को सरल किया और केवल क्रूड ऑयल और खाद्य तेल तथा रसायन जैसे आयातों पर ही अंकुश रखा गया। उसके बाद आगे की यदि बात करूं तो सीधा विदेशी पूंजी निवेश को छूट मिली और निजीकरण के कारण विदेशी कंपनियों को अब देश में वस्तु का उत्पादन विक्रय कर सकते, मतलब इन शॉर्ट सीधा पूंजी निवेश करने की लोगों को छूट मिली और अधिक से अधिक निजीकरण को प्रोत्साहन मिला। 5 मुद्दे हुए, एक, विदेश नीति को संरक्षण के बदले में मुक्त कर दिया, आयात निर्यात लाइसेंस सरल कर दिया, क्रूड ऑयल और खाद्य तेल रसायन जैसे आयातों पर अंकुश किया, उसके अलावा निजीकरण और विदेशी पूंजी निवेश को छूट मिली और भारत को भी वैश्वीकरण का लाभ मिला, जिससे दूसरे देशों में हमारा निर्यात भी बढ़ा। 1991 के पश्चात विदेश व्यापार नीति इस प्रकार बनाई गई कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़े और 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का एक हिस्सा भी बन गया और जिसकी वजह से भारत को काफ़ी लाभ का भी सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से आप लोगों को स्वतंत्रता के पहले अर्थात वैश्वीकरण के पहले की और वैश्वीकरण के पहले में 5-6 मुद्दे और वैश्वीकरण के बाद की नीति में भी 5-6 मुद्दे बनाने का प्रयत्न करना रहेगा। अब आगे का जो मुद्दा है वो हम देखने का प्रयत्न करेंगे, आर्थिक मूल्यांकन। लेकिन आर्थिक मूल्यांकन की बात हम लोग अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। उसके अंतर्गत आप लोगों ने अंत तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है 9825819539 पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।